देखिए देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। वायुसेना दिवस पर चंडीगढ़ के साथ शनिवार को पूरी दुनिया भारतीय वायुसेना के शौर्य को देखेगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के अलावा चंडीगढ़ और आसपास के राज्यों से करीब 35,000 लोग सुखना लेक पहुंचेंगे और एयर शो में अत्याधुनिक लड़ाकू विमान राफेल की ताकत और तेजस की रफ्तार के साथ अन्य विमानों के करतब देखेंगे। देश में स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने एक क्रेडिट गारंटी योजना को मंजूरी दी है। इसके तहत स्टार्टअप कंपनियों को बिना किसी गारंटी के 10 करोड़ रुपए तक का कर्ज मिल सकेगा। सरकार ने योजना को अधिसूचित कर दिया है। दिल्ली NCR में इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड ने CNG के दामों में 3 रुपए का इजाफा करने का फैसला किया है। नई कीमत लागू होने के बाद दिल्ली में प्रति किलो CNG की कीमत 78.61 रुपए हो जाएगी, जो पहले 75.61 रुपए थी। वहीं नोएडा, ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद में नई दरें लागू होते ही CNG प्रति किलो 81.17 रुपए हो जाएगी, जो अब तक 78.17 रुपए थी। इंडियन रोड कांग्रेस यानी IRC का 81वां अधिवेशन 8 से 11 अक्टूबर तक राजधानी के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में होगा। 11 साल बाद यूपी की मेजबानी में होने वाले आयोजन में दुनिया भर के 1500 से ज्यादा प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे। शनिवार की शाम 4 बजे केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शुभारम्भ करेंगे। फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य गारंटी कानून बनवाने के लिए किसानों का दिल्ली बॉर्डर स्थित पंजाब खोड़ गांव में आंदोलन दूसरे दिन भी जारी रहा। मौसम खराब होने के बावजूद भी किसान डटे रहे। वहीं विभिन्न किसान संगठन के नेताओं ने MSP गारंटी कानून के लिए ग्रुप मंथन किया। वो शनिवार को अपने आंदोलन की रणनीति का ऐलान करेंगे। अनुसूचित जाति से जुड़े अंतिम व्यक्ति तक संघ की विचारधारा पहुंचाने के लिए पहली बार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की कानपुर प्रांत इकाई की ओर से विशेष आयोजन किया जा रहा है। वाल्मीकि जयंती पर 9 अक्टूबर को आयोजित इस कार्यक्रम में संघ प्रमुख मोहन भागवत हिस्सा लेंगे। वो 8 को ही शहर आ जाएंगे। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन जहां स्थानीय समय अनुसार शुक्रवार को अपना 70वां जन्मदिन मना रहे थे, वहीं यूक्रेन के साथ जंग में उनकी सेना लगातार कब्जे में आए क्षेत्रों पर से नियंत्रण खोती जा रही थी। उधर यूक्रेन ने इसी दिन रूस की 18 हविट्ज़र टोपें उड़ा दी थीं और 8 बड़े टैंक भी नष्ट कर दिए। मौसम विभाग ने आज दिल्ली और आसपास के इलाकों में बारिश का पूर्वानुमान जताया था, जिसका सिलसिला रात से ही शुरू हो गया है। कहीं रिमझिम तो कहीं झमाझम बारिश रुक रुक कर हो रही है। मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि अगले 3 दिनों तक हल्की से मध्यम स्तर की बारिश का दौर जारी रह सकता है। देश में राम और रामायण को लेकर भले ही सियासत खूब होती हो, लेकिन इसके कलात्मक पक्ष और संदेशों को आम लोगों तक और खासकर युवा पीढ़ी तक ईमानदारी से पहुंचाने का काम बहुत ही कम लोग कर रहे हैं। अगर आपको रामायण के कुछ मशहूर दोहे और इसकी चौपाइयां समझनी हो तो देहरादून की कलाकार डॉक्टर मनीषा वाजपेयी की कला के जरिए समझ सकते हैं। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अध्यक्ष इमरान खान को विदेशी फंडिंग मामले में गिरफ्तार किया जा सकता है। शुक्रवार को PTI के नेता तारिक शफी, हामिद जमान और सैफ नियाजी को साइबर अपराध शाखा ने गिरफ्तार कर लिया है। वीडियो डेस्क amarujala.com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।